अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास पेज नंबर 32। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सटेंड योर थिंकिंग वाला। आज हमने करना है एक्सटेंड योर थिंकिंग का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सटेंड योर थिंकिंग का आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। कल हमने किया था थ्री वाला, आज हमने करना है 4 वाला क्वेश्चन नंबर 4 एक्सटेंड योर थिंकिंग। व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट द लीव्स ऑन अ स्टेम आर अरेंज्ड सो दे डू नॉट ओवरलैप टू मच। ये क्यों अहम है, क्यों ज़रूरी है कि स्टेम पे जो लीव्स अरेंज हुए हुए होते हैं वो तरतीब में अरेंज हुए हुए हों, एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना हुए हुए हों। ओवरलैप मतलब कोई एक लीफ जो है वो दूसरे को ढांप ना दे, एक लीफ दूसरे के ऊपर ना हो। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? Why is it important that the leaves on a stem are arranged so they do not overlap too much? ये क्यों अहम है कि जो leaves हैं किसी stem पे वो arrange हुए हुए हों तरतीब से और overlap ना करें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ। The leaves on a stem are arranged so they do not overlap too much. किसी stem पे जो leaves arrange हुए हुए होते हैं वो ऐसे अरेंज होने चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करें। ओवरलैप का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ दूसरी को ढांप दे, मतलब कोई लीफ जो है वो एक दूसरे को ढांप ना दे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करें बहुत ज़्यादा। बिकॉज क्योंकि द लीव्स इन डायरेक्ट लाइट मेक मोर फूड दैन द शेडेड लीव्स। क्योंकि जब सूरज की रोशनी लीव्स पर पड़ती है तो जो डायरेक्ट सनलाइट उन पे पड़ती है तब वो उस सनलाइट में ज़्यादा अपनी खुराक ज़्यादा अच्छे से बना सकेंगे। एज़ कम्पेयर टू शेडेड लीव्स, जो नीचे लीव्स होंगे जिन पे कम रोशनी पड़ रही होगी उनकी निस्बत डायरेक्ट लाइट वाले जो लीव्स होंगे वो ज़्यादा अच्छे से अपनी खुराक बना सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि किसी स्टेम के ऊपर जो लीव्स अरेंज हुए हुए होते हैं वो बिल्कुल ओवरलैप नहीं होने चाहिए, मतलब ओवरलैप ना हो तो सनलाइट जो उनको मिलेगी वो डायरेक्ट उन पे पड़ेगी, डायरेक्ट सनलाइट उन्हें मिलेगी, सूरज की रोशनी उन्हें मिलेगी, तो वो अपनी खुराक अच्छे से बना सकेंगे, मतलब ज़्यादा खुराक अपनी बना सकेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से होगा। और अगर नीचे ओवरलैप हुए हुए हों लीव्स, यानी नीचे हों लीव्स तो उन पे कम रोशनी पड़ेगी, फिर अगर लीव्स ओवरलैप हुए हुए हों तो उन पे सूरज की रोशनी कम पड़ेगी तो वो अपनी खुराक जो है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बना सकेंगे। देन द वो बिकॉज द लीव्स इन डायरेक्ट लाइट मेक मोर फूड देन द शेडेड लीव्स। डायरेक्ट लाइट वाले जो लीव्स होंगे वो ज़्यादा अपनी खुराक तेज़ी से बना सकेंगे एज़ कम्पेयर टू शेडेड लीव्स। शेडेड लीव्स मतलब जो लीव्स नीचे होंगे जिन पे सिर्फ सूरज की रोशनी कम पड़ रही होगी तो वो अपनी खुराक ज़्यादा नहीं बना सकेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहाँ पे स्लो होगा। इसलिए जो लीव्स हैं हम कहते हैं कि ये अहम है, ज़रूरी है कि अरेंज हुए वो स्टेम पे तरतीब से ताकि हर एक लीफ पे एक जैसी ही रोशनी पड़े। अगर नीचे लीव्स होंगे तो उन पे कम सूरज की रोशनी पड़ेगी, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से नहीं होगा, अपनी खुराक वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बना सकेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, द लीव्स ऑन अ स्टेम आर अरेंज्ड सो दे डू नॉट ओवरलैप टू मच। लीव स्टेम पे अरेंज हुए हुए होते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करें। बिकॉज द लीव्स इन डायरेक्ट लाइट मेक मोर फूड, क्योंकि डायरेक्ट लाइट में लीव्स ज़्यादा खुराक बनाते हैं देन द शेडेड लीव्स, शेडेड लीव्स की निस्बत। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये आप लोगों ने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। अब डायरी राइट कर लीजिए, पेज नंबर 32 एक्सटेंड योर थिंकिंग क्वेश्चन नंबर 4 लर्न प्लस राइट। ये डायरी है आप लोगों की, ये क्वेश्चन आप लोगों ने लर्न भी करना है और राइट भी करना है।